श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में सूत जी महाराज से 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंध को प्रश्न अध्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, प्रश्न अध्याय। भागवत का प्रथम स्कंध है प्रश्न अध्याय, क्योंकि सूत जी से सोनकादिक 6 प्रश्न करते हैं और सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं, भगवन अल्प अवस्था वाले जीवों का कल्याण कैसे हो? सूत जी महाराज ने उत्तर दिया, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बातें हैं। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, यहां वहां मत भटको, काम तो होता रहेगा। सतम विहाय भोक्तव्यम, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्र स्नान माचरेत, 1,000 काम छोड़ दो और 1,000 काम छोड़ करके स्नान कर लो। क्या कर लो? स्नान, नहा लो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,000,000 कामों को त्याग करके दान दो। और अंत में कहा, कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, करोड़ करोड़ कामों को त्याग करके व्यक्ति को भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, हरि नाम गाना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि भजन तो बहुत दूर की बात है। आज जब भजन करने की बारी आती है तो लोग कहते रहे, हम काफी थक गए हैं, अब भजन नहीं होगा। रात में हम 3 घंटे कोई पिक्चर, कोई मूवी देख सकते हैं, 3-4 घंटे तक फोन लेकर के फोन चला सकते हैं, अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, यहां वहां बैठ के यहां वहां की बातें करके, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भजन करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं, भैया हम बहुत व्यस्त हैं, हम भजन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति माताओं की है, 10-10 सीरियल देखती हैं, इतना सीरियल डेली, कभी स्टार प्लस में, कभी कलर्स पे, कभी इस पे, कभी उस पे। देखो, मैं कभी मना नहीं करती कि आप सीरियल मत देखो, आप मूवी मत देखो, आप गाने मत सुनो, आप करो। हम संसारी लोग हैं, हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक समय निश्चित तो कर लो भजन करने के लिए। मैं कभी अपनी कथा में ये भी नहीं कहती कि सारा दिन माला लेके बैठे रहो, ना। हम संसारी गृहस्थी लोग, हमारे बहुत से काम हैं, हमें काम भी करना है, भोजन भी पकाना है, नौकरी भी करनी है, यहाँ वहां जाना भी है, घूमना फिरना भी है, तो वो सब चलता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक बात याद रखो, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 24 मिनट का आधा, 12 मिनट आधी में पुनियाद, आधी का भी आधा कर लो, 12 का आधा 6, वो भी ज्यादा लग रहा है 6 मिनट, तो उसका भी आधा कर लो 3। तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध, केवल 3 मिनट तो हम अपने जीवन में निकाल ही सकते हैं भजन के लिए, बिना किसी बहाना के।
कि ये करना है वो करना है, समय नहीं। अरे मैं मानती हूँ समय नहीं, ठीक है आपने कहा समय नहीं है, ठीक है समय नहीं, लेकिन 3 मिनट तो सबके पास है। अब आप सोच रहे हो कि भजन करने से होता क्या है, करके देखो फिर पूछोगे नहीं कि होता क्या है। भजन करने से एक आत्मानुभूति, एक आत्म शांति की प्राप्ति होती है। जब हम भजन करते हैं तो भजन करने से हमारे चारों तरफ एक कवच बनता है, बनता जाता है। जितना हम भजन करेंगे उतना वो कवच बनेगा। और कभी कभी इतनी बुरी स्थितियों में भजन हमारी रक्षा करता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट इतना कि देखने वालों ने कहा कि सामने वाला तो मर गया, लेकिन हुआ क्या, केवल एक खरोंच आई, एक चोट लगी छोटी सी। क्यों, किसने बचाया? आपने कोई पुण्य नहीं किया था, आपने जो थोड़ा बहुत भजन किया है उस भजन ने रक्षा कवच बन करके आपकी रक्षा की। तो भजन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से हमें बचाता है। इसलिए मेरा आपसे बार बार कहना है और 7 दिनों तक मैं यही कहूंगी कि भजन करो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जान ले ऊ जो जाननी हारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है हमारे पास। जप तप हम कर नहीं सकते, योग यज्ञ हम कर नहीं सकते, पर भगवान का नाम तो सभी गा सकते हैं। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, कोटि तत्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को त्याग करके भजन करो, हरि नाम लो, भजन 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 करो। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, अल्प अवस्था वाले जीवों का कल्याण ऐसे होगा।